जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला के दुष्यंत चौटाला गांव चौपाल कार्यक्रम के बारे में जेजीपी के गोहाना हल्के से कदावर नेता और टिकट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे नरेंद्र गहलावत ने बताया कि जननायक चौधरी देवीलाल की तरह देहात का राज वापिस लाने के लिए दुष्यंत चौटाला गाँवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि दुष्यंत चौटाला बहादुरगढ़ हल्के से अपनी गांव यात्रा की शुरुआत करने के बाद वे ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान दुष्यंत चौटाला पूरी तरह हरियाणा के देहात के जीवन को जिएंगे। गांव दर गांव लोगों से उनकी फसल, पशु, परिवार, समाज, बच्चों की शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर बात करेंगे। स्टेडियम, सरकारी स्कूल में अध्यापक और सुविधा जैसे तमाम विषयों पर दुष्यंत चौटाला चर्चा करेंगे और उसके बाद सरकार तक गांव की आवाज पहुंचाई जाएगी। नरेंद्र गहलावत जी, जिस प्रकार से दुष्यंत जी गांव गांव चौपाल एक अभियान के रूप में अभी चलाने वाले हैं 24 तारीख से, आप क्या कहेंगे? दुष्यंत जी ने ये गांव गांव चौपाल चौपाल का जो प्रोग्राम रखा है, ये हमारा पुराने टाइम से चौधरी देवीलाल जी भी ऐसे ही किया करते थे और हर गाँव में जाते थे, चौपाल में जाके बैठ जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। वो बहुत दिन पुरानी बातें हैं। अब उसी कड़ी में आज इस प्रदेश में अनुशासन, क्राइम, अनुशासनहीनता और क्राइम इतना बढ़ चुका है कि किस कोई भी आदमी इसे खुश नहीं है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दुष्यंत जी हर गांव में जाएंगे, चौपाल में जा करके लोगों को इसके बारे में बताएंगे और इसका समाधान भी क्या होगा, क्या रूपरेखा होगी, लोगों के विचार लेकर के अपनी पार्टी को आगे उसी कड़ी पे लेकर के चलेंगे जो कि इस गांव में 85% जनसंख्या गांव में बसती है। जल्द ही आपका स्थापना दिवस भी पार्टी का आने वाला है, तो गोहाना हल्के की तरफ से कितना मतलब जोश दिखाई दे रहा है, कितने लोग जाने वाले हैं स्थापना दिवस? गोहाना हल्के में हजारों हजारों की संख्या में लोग जाएंगे 5 अगस्त को। ये हमारा युवा का स्थापना दिवस है जो चौधरी अभय सिंह अजय सिंह चौटाला ने बनाया था और वही उसके संस्थापक हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए पूरी पार्टी की रूपरेखा गांव से जुड़ी हुई है। हमारी गरीब किसान मजदूर के साथ पूरी पार्टी खड़ी है और इन्हीं की सारी समस्याओं को उजागर करते हुए हर गांव में जन जागरण अभियान चलाए गए हैं।